नमस्कार, मैं हूँ महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम मौजूद हैं, करनाल के निसिंग के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर, जहाँ पर यहाँ पर 4 बजे के करीब एक बहुत ही बड़ी डकैती की वारदात हो जाती है। जी हाँ, बैंक के अंदर डकैती की वारदात होती है और किस तरीके से 3 लुटेरे यहाँ पर 4:15 बजे के करीब बाइक पर सवार होकर आते हैं और हथियारों के साथ आते हैं, यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और चेक भरने के बहाने से उन 3 लुटेरों में से एक जो शातिर लुटेरा होता है वो अंदर जाता है, चेक भरता है। और हालांकि आप देख सकते हैं जो मुख्य द्वार है बैंक का, वहीं पर ही किस तरीके से नीचे कांच ही कांच बिखरा हुआ है, एक दरवाजा यहाँ पर टूट चुका है। हालांकि दरवाजा कब टूटता है उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर गार्ड खड़ा होता है और बाकी के जो 2 लुटेरे होते हैं वो भी यहाँ पर खड़े होते हैं। उसके बाद जो 1 लुटेरा उनमें से होता है, बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर चेक भर रहा होता है, और जब वो बाकी 2 लुटेरे वहाँ पर खड़े होते हैं उसके बाद वो देखते हैं जब कि जो गार्ड है उसका ध्यान इधर उधर हो चुका है, उसके बाद ही उस गार्ड को पहले तो बंधक बना लिया जाता है, दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद वो अंदर आते हैं, हथियार दिखाते हैं और हथियारों के दम पर ही किस तरीके से कैश मांगा जाता है। कहा जाता है कि जितना भी इस वक्त बैंक में कैश मौजूद है, नकदी मौजूद है, वो हमें अभी के अभी लाकर दिया जाए। जो बैंक के तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद होते हैं, दिन दहाड़े उनको दरवाजा बंद कर बंधक बना लिया जाता है, हथियारों के दम पर ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य खजांची का जो पूरा का पूरा काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर जितने पैसे होते हैं 5 लाख के करीब यहां से पैसे बताए जा रहे हैं जो उन लुटेरों को दे दिए जाते हैं डर की वजह से। और उसके अलावा लोकर में से अंदर से भी बताया जा रहा है कि 15 लाख की राशि उन लुटेरों को दी गई है और उसके बाद ही वो यहाँ से उनका कहना ये होता है कि जब तक आप यहाँ पर जितना भी कैश मौजूद है हमें नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बंदूकें उनके पास होती है और किस तरीके से जब वो भागने की कोशिश करते हैं, यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, स्टोर रूम में उनको बंद स्ट्रोंग। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, स्ट्रॉन्ग रूम जहां पर कैश रखा जाता है बैंक का, वहां पर सभी के सभी बैंक कर्मियों को यहां पर अंदर भेज दिया जाता है। यहां पर बंद कर वो 3 लुटेरे किस तरीके से बाहर जाते हैं। और ये देखिए कैमरेज के जो पूरी की पूरी तारे हैं, अंदर DVR की भी हम आपको तारे दिखाएंगे, वो तारे भी हालांकि जो शातिर लुटेरे यहाँ पर पहुंचे थे वो काट कर चले जाते हैं, तारे यहाँ पर काट दी गई हैं। हालांकि कुछ बैंक कर्मियों के बारे में ही जानकारी दी जा रही है कि उन्होंने अंदर से ही पुलिस को फोन कर दिया और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार आपको बता दें कि यहीं से बताया जा रहा है दरवाजा बंद कर दिया गया था, बैंक कर्मियों को अंदर धक्का देकर इस दरवाजे को बंद कर दिया गया था उनको, क्योंकि पहले से ही हथियारों के दम पर बंधक बना लिया जाता है। और जैसे वो 3 लुटेरे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वो दरवाज़ा खोल कर नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। इस दरवाजे को ये देखिए, दरवाजे को हालांकि हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि पुलिस अभी जांच कर रही है, CIA की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची और इस दरवाजे के ऊपर जो सारा का सारा कांच है वो किस तरीके से नीचे आपको बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर कांच लगा हुआ था, ये कांच का दरवाजा है, लेकिन किस तरीके से वो सारा का सारा दरवाजा खोल कर नहीं बल्कि हैंडल भी आप देख सकते हैं टूटा हुआ है, नीचे सारा दरवाजे का जो कांच है वो बिखरा हुआ है। उसके बाद भी जो 3 लुटेरे हैं बताए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से जो बैंक के कर्मी थे जब वो अंदर बंधक बने हुए थे उनको अंदर दरवाजे में लॉक कर दिया गया था स्ट्रॉन्ग रूम में, उसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच जाती है जैसे वो 3 शातिर लुटेरे बाहर आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग भी होती है, जी हाँ पुलिस के ऊपर ही फायरिंग की जाती है, फायरिंग का निशान भी यहाँ पर एक गाड़ी पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए बंदूक यहाँ पर चलाई जाती है, उसके बाद जो गोली का निशान है वो यहाँ पर आपको गाड़ी के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये क्रेटा गाड़ी यहाँ पर खड़ी और किस तरीके से इसके ऊपर ये निशान है। हालांकि पूरी क्या कुछ वारदात रही यहाँ पर, जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे पूरी वारदात जान लेते हैं। और पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी थी, हालांकि CIA 2 से भी मोहन लाल है इंस्पेक्टर, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूरी की पूरी वारदात एक बार उनसे जान लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच मैनेजर का जो कैबिन है, वहां से हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। डीवीआर की जो तारें हैं, जो वायर्स हैं, वो किस तरीके से काट दी गई हैं। शातिर लुटेरे बताए जा रहे हैं, शातिर लुटेरे किस तरीके से लूट लेते हैं बैंक को। जी हाँ, बैंक को लूट लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से हम ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, करनाल के निसिंग से, जहां पर यहाँ के जो एक स्टाफ मेंबर है उनका बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम में जब सभी बैंक कर्मियों को अंदर बंद कर दिया जाता है, जैसे तैसे करके एक कर्मी के बारे में बताया जा रहा है, एक बैंक कर्मी के बारे में, कि वो किसी तरीके से बाथरूम में चले जाते हैं और बाथरूम से पुलिस को फोन करते हैं, जिसके बाद पुलिस की टीमें बाहर मौके पर पहुंचती तो है, लेकिन बाहर भी फायरिंग हो जाती है। आसपास के जितने लोगों को भी इस घटना के बारे में पता लग रहा है, इस वारदात के बारे में पता लग रहा है, वो यहां पर पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरास को खंगालने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर है वो इस वक्त निसिंग थाना में गए हैं ताकि वहां पर FIR दर्ज करवाई जा सके। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।